इस सुंदर नेम प्लेट को आप अपनी टेबल पर रख सकते हैं। इस कागज की नेम प्लेट को बनाने के लिए आपको एक पट्टी चाहिए, लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले पट्टी की मध्य रेखा को मोड़ें, उसके बाद में पट्टी को खोलें और इस तरह से मोड़ें कि ये मोड़ दाएं कोने से होके गुजरे और नीचे वाला कोण मध्य रेखा पे जाके टिके। इस तरह से मध्य रेखा पे एक बिंदु मिल जाएगा आपको, और फिर इस बिंदु और एक कोने को मोड़ें, इससे आपको त्रिकोण की एक रेखा मिलेगी जिसको आप पेन से निशान बना दें। उसके बाद में इसी बिंदु से दूसरे कोने को मोड़ें, इस रेखा पर भी आप पेन से एक निशान बनाएं। इस तरह से आपको एक समबाहु त्रिकोण मिल जाएगा। अब ये जो बिंदु मिला है मध्य रेखा पे, इसको आप पलट करके मोड़ दें और खोलें, उस पर भी आप पेन से निशान बनाएं, और फिर जो वर्ग जैसा बना है उसको आधे में मोड़ें, सिर्फ थोड़ा सा मोड़ें, इससे आपको त्रिकोण का आधार मिल जाएगा। उसके बाद त्रिकोण का जो स्लांट है और उन दोनों को आपस में लेकर के आए, इस तरह से मोड़ें। इसी तरह से दूसरे स्लांट को भी अंदर की ओर दबा करके इस प्रकार मोड़ें। अब ये देखिए, ये आपको एक त्रिकोण, एक टेंट जैसा बन जाएगा। निचले हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ें और एक त्रिकोण को दूसरे के ऊपर आप पलट दें। अब ये जो दो त्रिकोण बने हैं, इसमें से एक जेब बन जाएगी और दूसरा फ्लैप बन जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल एक जेब है और इसके अंदर आप दूसरे त्रिकोण फ्लैप को अंदर घुसा दीजिए। ये एक तरह से एक तालाबंदी हो जाएगी, और अब जो ट्रायंगल बना है इसको अंदर की ओर मोड़ दीजिए। इस जैसे आपने पहला वाला सिरा मोड़ा था, इसी तरह से दूसरे वाले सिरे को भी मोड़िए। ये देखिए, दोनों त्रिकोण एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो रहे हैं। अब आपकी नेम प्लेट लगभग तैयार है। ये देखने में बिल्कुल एक प्रिज्म जैसी, एक त्रिकोणीय तंबू जैसी दिखाई देगी, और इसको आप आराम से अपनी टेबल के ऊपर सजा के रख सकते हैं और उस पर अपना नाम आदि लिख सकते हैं।